राजगढ़ जिले के ब्यावरा में एक दूल्हे ने अपनी शादी की सारी रस्में व्हीलचेयर पर ही बैठकर अदा की। यहां तक कि दूल्हे ने वरमाला और फेरे भी व्हीलचेयर पर ही बैठकर लिए। दरअसल यह सब इसलिए हुआ, शादी से 7 दिन पहले दूल्हा हादसे का शिकार हो गया था, लेकिन दुल्हन के विश्वास और साथ के आगे दूल्हे का दर्द बोना साबित हुआ। दूल्हा दिलीप 5 जून को खलचीपुर से शादी का कार्ड बांट कर लौट रहा था। इसी दौरान दिलीप की बाइक का टायर फट गया और वो गिर गया। इससे उसके हाथ पांव फ्रैक्चर हो गए। 12 जून को उसकी शादी थी और हादसा 7 दिन पहले हो गया। ऐसे में दिलीप का सफल ऑपरेशन भोपाल के एक निजी अस्पताल में कराया गया, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए परिजनों ने शादी की तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस पर विदिशा की दुल्हन दीप्ति दिलीप से मिलने अस्पताल पहुंची। उन्होंने आपस में कुछ समय चर्चा की और उसने खुद दिलीप से इसी हाल में शादी करने का फैसला लिया। गर्मी के कारण बाइक का अगला टायर फट जाने के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस बीच फिर मुझे रेफर कर दिया गया वहाँ से भोपाल। वहाँ पहुँचा, एडमिट हुआ। 2 दिन बाद मेरी उससे मिलने आई। फिर उनका निर्णय जाना है, उन्होंने बोला क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे डॉक्टर से ऐसी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप इसके लिए अगर तैयार हैं तो मैं रेडी हूँ, लेट को आगे पोस्टमेंट नहीं करना। डॉक्टर से बात कर पोस्टमेंट कर ली। सुनने में दीप्ति के इस हौसले की अब तारीफ हो रही है। जहां एक ओर दूल्हे के माता पिता इस बात से हैरान थे कि कहीं रिश्ता न बिगड़ जाए और कोई दिक्कत न हो, लेकिन दीप्ति के फैसले ने सभी को चौंका दिया। इस खबर के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस परिवार से मिले और जीवन की नई शुरुआत के लिए बधाई दी। दिलीप और उसके परिजन भी दीप्ति के द्वार धूमधाम के साथ बारात लेकर पहुंचे और पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों परिणय सूत्र में बंधे। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि समाज में अभी भी भारतीय संस्कृति और हमारे संस्कार जीवित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।